हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है सब खैरियत में होंगे, सब ठीक होंगे। तो जो आज का हमारा टॉपिक है उसका नाम है आर्टिक टंड्रा अक्यूर्स इन द फॉर नॉर्थन हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर इंक्लूड्स पार्ट ऑफ कैनेडा, ग्रीनलैंड, अलास्का, नॉर्थन यूरोप एंड नॉर्थ एशिया, सिबेरिया। आर्टिक टुंड्रा कवर्स अबाउट 1/10 ऑफ द अर्थ सरफेस। इट इज़ द वर्स्ट एरिया ऑफ बैरन लैंडस्केप which is frozen for much of the years. The soil is covered with permafrost, thus it is impossible for trees to grow. The tundra is covered in marshes and lakes because water even in summers cannot go underground. Generally, temperatures during the summer rise to about 12 centigrade, but can often drop to 3 centigrade. It is desert-like berry with very little rain. So guys, अब मैं इसका तर्जुमा आपको सिंधी में बताऊँगा। बरहाली आर्टिक टुंड्रा को सिंधी में कहते हैं बरहाल काली टुंड्रा। उत्तरी नसफ गोले खां परे वाक़ आहे। उनमें कैनेडा जा हिस्सा अलास्का इत्रियून ऐं यूरोप ऐं उत्तरी एशिया लाइब्रिया शामिल आहिनि। बहर अल काहिली टंड्रा अटिकल हिकु ॻोठाणी ज़मीन सतह सां घड़ियल आहे। ही मंछर ज़मीन जो हिकु वसीउ इलाइक़ो आहे जेको साल जे वधीक अरसे ताईं जमियल रहे थो। इन करे हिते वण पोखण मुमकिन न आहे। अब मैं एक थोरा सा टॉपिक आपको बताऊंगा, इसका नाम है एनटार्कटिका टुंड्रा अक्यूर्स इन ऑन एंटार्कटिका एंड सब एंटार्कटिक आइसलैंड्स अंडर एक्सट्रीम कोल्ड एंड ड्राई क्लाइमेट्स लैंड्स रिमेन्स कवर्ड इन विथ आइस एंड दीज नॉट सुटेबल फॉर वेजिटेबल्स। हाउएवर सम पोर्टेंस ऑफ द कंटिनेंट्स हैव रॉकी सॉइल्स दैट सपोर्ट टुंड्रा वेजिटेशन। सम सीज मैमल्स एंड सी बर्ड्स इंक्लूड सील्स एंड पेंगुइन्स इनहैबिट्स एरियाज नियर द शोर्स। तो गाइस, आज का हमारा यहाँ टॉपिक यहीं पर ख़त्म होता है। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, हमारे चैनल सोशल इंफॉर्मेशन जोन को सब्सक्राइब कर लेना। खुदा हाफिज़ और बेल आइकन को दबा देना।